और जर्मनी समेत पूरा यूरोप फुटबॉल के खुमार में है, क्योंकि 14 जून से यूरो कप की शुरुआत हुई है और जिसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा है। करीब एक महीने तक चलने वाले इस आयोजन को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जर्मनी में जुट रहे हैं, मगर इसी बीच यूरो कप पर आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। आखिर कौन है यूरो कप में रक्तपात मचाने की साजिश रचने वाला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यूरो कप पर आतंकी हमले का प्लान तैयार हो चुका है? क्या यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट आतंकियों के निशाने पर है? क्या मॉस्को की तरह जर्मनी में भी टेरर अटैक के जरिए नरसंहार की साजिश तैयार की जा रही है? साल 2024 में यूरो कप का आयोजन जर्मनी में हो रहा है। 14 जून से यूरो कप का आगाज हुआ और बर्लिन में 14 जुलाई को फाइनल मैच के साथ ही यूरो कप समाप्त होगा। लिहाजा फुटबॉल के इस महाकुंभ का गवाह बनने के लिए दुनिया भर से लाखों फुटबॉल प्रशंसक जर्मनी पहुंचे हुए हैं। मगर इसी बीच जर्मनी की सिक्योरिटी एजेंसी ने बड़ा अलर्ट जारी किया है, वो ये कि यूरो कप 2024 में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आईएसआईएस के दहशतगर्द लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में आतंकी हमले की आशंका है। फ्रैंकफर्ट में मॉस्को के क्रॉकस मॉल जैसा अटैक हो सकता है। आपको बता दें कि इसी साल 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकी हमला हुआ था। करीब 4 घंटे तक आईएसआईएस के हथियारबंद दहशतगर्दों ने रूस की राजधानी मॉस्को में प्रचंड कोहराम मचाया। ताबड़तोड़ गोलीबारी, ग्रेनेड अटैक से मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल को दहलाया। ये मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें करीब 150 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसे में जर्मनी की सुरक्षा एजेंसियों ने ये आशंका जताई है कि ठीक इसी तरह का टेरर अटैक यूरो कप के दौरान आईएसआईएस के आतंकी जर्मनी में भी कर सकते हैं, क्योंकि यूरो कप के चलते लाखों फुटबॉल प्रशंसक जर्मनी में जुटे हुए हैं। ऐसे में लोन वुल्फ अटैक से आईएसआईएस भारी तादाद में नरसंहार को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें कि यूरो कप से पहले ओलंपिक पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह है दुनिया के अलग अलग कोनों में जारी युद्ध और मुल्कों की अदावत। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते जर्मनी और रूस में तनातनी बढ़ी है, क्योंकि जर्मनी लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लिहाजा आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन युद्ध की आड़ में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।